हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड, योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो सीरीज हमारे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डीटी प्लस बी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसटेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, केवीएस का एग्जाम दे रहे हो, हरियाणा एचएसएससी का एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ये अपनी सीरीज है जीके की सीरीज, ठीक है? जीके सीरीज कहो या जीएस कहो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए तीन चीजें जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है वर्ड जीके, एक होता है जीएस और एक होता है जीए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इन तीनों शब्दों में क्या डिफरेंस होता है? जीके होता है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज जिसमें ऑल अराउंड पूरी दुनिया, पूरी छोटी बड़ी मछली, छोटा पक्षी, बड़ा पक्षी, दुनिया जहान के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कहलाता है गाइज जीके। जीएस होता है जनरल स्टडीज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के क्वेश्चन आते हैं, साइंस, इकोनॉमिक्स, वो होता है जीएस जनरल स्टडीज। जीए जहां भी आपको लिखा होता है, जीए मीन्स होता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है? जीए मीन्स क्या होता है? जनरल अवेयरनेस। यू नो अवेयरनेस क्या होता है? अवेयरनेस होता है जागरूकता, मीन्स आप सोसाइटी को लेकर कितने जागरूक है, इट मीन्स कितने अवेयर है, कितना आपको करंट इश्यूज के बारे में पता है। तो जहां पर जीए लिखा होता है उसका मतलब होता है हमेशा जनरल अवेयरनेस, ध्यान रखना। जीए यदि सिलेबस में लिखा है जीए तो इसका मतलब वहां करंट अफेयर्स ही आएंगे, ठीक है? तो लेकिन हमें जो पढ़ना है, जो हमारे हर एग्जाम में आता है, डीएसएसबी, केवीएस, हरियाणा एचएसएससी, स्क्रीनिंग एग्जाम्स, तो वहां पर जीएस आता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज मतलब इसमें हमें पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, साइंस, कुछ हद तक इकोनॉमिक्स और करंट, ठीक है? किसी भी एग्जाम का जीएस का जो सेक्शन होता है इन चीजों से कवर होता है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल से, साइंस से, इकोनॉमिक्स से और करंट अफेयर से। अब हम ये नहीं कह सकते कि इस एग्जाम में इतना आएगा, इस एग्जाम में इतना आएगा, मीन्स किस एग्जाम में कितना करंट अफेयर्स आता है, ऐसा भाई हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इस माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टूट गया ये, ठीक है? तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि कितना हिस्ट्री आएगा, कितना ज्योग्राफी आएगा, कितना पॉलिटिकल आएगा, कुछ भी फिक्स नहीं होता। तो हमें हर सब्जेक्ट को करना होता है। अब ये सभी सब्जेक्ट्स बहुत डीप होते हैं, हम कितना पढ़ेंगे? तो ऐसे में मैं आपको सॉल्यूशन कर देती हूँ। मैं हर सब्जेक्ट के जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, होप सो उनको ही क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इन जीएस के सब्जेक्ट में जो मेरा बहुत फेवरेट है, जो मुझे अति प्रिय है, हिस्ट्री, इतिहास। अब आप कहोगे हिस्ट्री इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। भाई मैं बता दूं, हिस्ट्री बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बेशर्ते उसको पढ़ाने वाला बोरिंग नहीं होना चाहिए, और मैं बिल्कुल बोरिंग नहीं हूं। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। मैंने सब्जेक्ट को क्यों चूज किया है? दूसरा पॉइंट, इसका तीन सेक्शन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कंप्लीट करवा चुकी हूँ, मतलब एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मैं बार बार उन चीज़ों को पढ़ाने में यकीन नहीं रखती जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। कुछ एडिटिंग होगी, वहां पर कुछ बच गया था, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बच गया, साउथ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बच गया था, हिस्ट्री की ओपनिंग बची हुई है, कुछ एक आधे बीच में टॉपिक बचे हुए हैं, तो बस मैं सिर्फ वो टॉपिक आपको डिक्टेट करूंगी हिस्ट्री के, बाकी आप प्लेलिस्ट में से जाके हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। वो कॉपी पे या कंफर्ट ना लगे तो बता देना, बोर्ड पे पूरी भी करवा देंगे, ठीक है? फिर हिस्ट्री के बाद जियो, पॉलिटिकल साइंस, इनके स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक लेंगे, ठीक है? ये सीरीज चलती रहेगी अपनी। तो सबसे पहले मैंने लिया है इतिहास, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है? ओपनिंग नहीं करवाई थी मैंने इतिहास की, और ओपनिंग एक ऐसी चीज है हिस्ट्री की जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में मैंने देखा, इसलिए आज उसी को करते हैं, ठीक है? तो हिस्ट्री होता है क्या? इतिहास, इतिहास, यू नो हिस्ट्री, जो समय बीत चुका, जो समय खत्म हो चुका। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और भी है इतिहास के साथ, जो समय खत्म ही हो चुका, जो समय बीत ही चुका, आप में आपको उसमें कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो टाइम खत्म ही हो चुका तो आप उसमें क्या एडिट करेंगे? कुछ भी नहीं। मीन्स जो आपको टीचर ने पढ़ा दिया एज इट इज अच्छा है पढ़ा दिया, आपको कुछ एडिट करने की प्रॉब्लम हिस्ट्री के साथ बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब इतिहास तो वो समय है जो बीत चुका, खत्म हो चुका, तो हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें कहाँ से पता लगा, मतलब मुझे कैसे पता चला ये इतिहास है, हमें कहाँ से पता चला? तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है बहुत एग्जाम में, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है किसको? हेरोडोटस, ठीक है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है गाइस किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरो डोटस को कहा जाता है क्या? फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री जो कहा जाता है वो गाइस किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है।
अब इतिहास का हमें कहां से पता लगा, कहां से इतिहास उत्पन्न हुआ, कोई आदमी भी था या नहीं। ये कहते हैं कि इतिहास का जो पहला मानव था, आदि मानव, ठीक है, उसका नाम था होमो सेपियन। इतिहास का पहला जो मानव था उसका नाम था होमो सेपियन। अब इसको ज्ञानी मानव कहा गया है, पहला मानव कहा गया है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, इसको किसने देखा? किसी ने देखा होगा तो इसका रंग रूप होगा, और किसी ने देखा होगा तो वो पहला बंदा क्यों नहीं हुआ। मतलब ढेर सारे हमारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं। तो होमो सेपियन इतिहास का पहला बंदा था, ध्यान रखना, इसको किसी ने नहीं देखा। एक कंकाल मिला था, एक खोपड़ी मिली थी, और उस खोपड़ी से दिखा कि ये इंसान की खोपड़ी है। और यू नो रेटिंग स्केल, जिससे पुरानी चीजों की कार्बन डेटिंग, कैसे भूल गई मैं, C14 डेटिंग स्केल तो भूकंप के लिए होता है, ठीक है, C14, कार्बन 14 वो विधि है जिससे हम पुरानी चीजों की एज को निर्धारित करते हैं। तो C14 से उस खोपड़ी की एज को एनालाइज किया गया, पता चला भी ये 25,000 साल पुरानी खोपड़ी है। मतलब ऐसे ऐसे बातें, कोई कहता है ये 30,000 पुरानी खोपड़ी है, 30,000 साल, लाख साल पुरानी खोपड़ी है। तो मीन्स कार्बन डेटिंग से हमें उसकी एज के बारे में क्या पता चला, एज के बारे में। और होमो मीन्स होता है इंसान, सेपियन मीन्स होता है जाति, तो इंसान की जाति का पहला इंसान। तो ध्यान रखना भाई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, होमो सेपियन। तो आपसे पूछा इतिहास का पहला मानव, ज्ञानी मानव किसको कहा जाता है, होमो सेपियन, उसकी एज कहां से पता लगी, C14। ये क्वेश्चन हरियाणा तहसीलदार के एग्जाम में आया था, पुरानी चीजों को निर्धारित करने के लिए क्या विधि यूज की जाती है, तो कार्बन 14, C14। अब आते हैं इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहां से मिली। तो इतिहास के बारे में जानकारी के बहुत सारे सोर्स थे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स था वो था वेद, ठीक है, पुराने वेद, पुराने उपनिषद, पुराने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, महाकाव्य पढ़े, और सबसे मेन है पुरातत्व साक्ष्य। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स, जो पुरातत्व साक्ष्य है, मीन्स जो पुरानी पुरानी चीजें मिली, जो सोर्सेज मिले, अभिलेख मिले, शिलालेख मिले। पहले जमाने में क्या था, पत्थर पर खोद खोद के लिख जाते थे राजा लोग, तो वो तो पास अवे हो गए, मर गए, लेकिन बाद में उन पत्रों को किसी ने देखा, एनालाइज किया, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कॉल्ड लाइक पुरातत्व, ठीक है। तो वेद, उपनिषद, पुरातत्व, ये सब क्या है, इतिहास के सोर्स है, मतलब इससे हमें इतिहास को पता लगा। तो सबसे पहले यू नो वेद, वेद कितने हैं भाई, 4, ठीक है, वेद कितने हैं, 4, वेदों की संख्या सबको पता है 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, मैं लिख के रखा ताकि टाइम ना लगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये तो आज तक हर बच्चे को पता है कि वेद 4 है, ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, अर्थवेद सबसे बाद का वेद है। क्वेश्चन आ गया पेपर में, नवीनतम वेद कौन सा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, भाई नवीनतम का मतलब तो नया, नया तो कोई वेद निकला ही नहीं, तो बहुत पुराने हैं, तो नया नहीं निकला, तो इट मीन्स क्या है, जो लास्ट वेद है, जो लास्ट वेद है वो ही क्या कहलाएगा गाइस, नवीनतम वेद कहलाएगा, ठीक है। तो नवीनतम वेद कौन सा है पूछे जाए आपसे, तो अर्थवेद है। चांदी का डिस्क्रिप्शन भी हमें अर्थवेद में देखने को मिला था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब ये क्वेश्चन नया है, याद कर लेना, इनको लिखने वाले ब्राह्मण। पहले क्वेश्चन आता था इस वेद का क्या विषय है, अब क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बदल चुके हैं कि इस वेद को लिखने वाला ब्राह्मण कौन है। तो ऋग्वेद को लिखने वाला जो ब्राह्मण है वो है ऐतरेय, ठीक है, ध्यान रखना, ऐतरेय। यजुर्वेद को लिखने वाला है शतपथ, यजुर्वेद को लिखने वाला ब्राह्मण है शतपथ। सामवेद को लिखने वाला ब्राह्मण है पंचविश, सामवेद को लिखने वाला ब्राह्मण है पंचविश। अर्थवेद को लिखने वाला ब्राह्मण है गोपथ, ठीक है, ये है ब्राह्मण जिन्होंने इन वेदों को लिखा था। अब है उपवेद, उपवेद मतलब वेदों के ही भाग, कुछ चीजें हैं वेदों में डिस्क्रिप्शन नहीं हुई तो उपवेद में लिख दी गई। तो उपवेदों में जो सबसे पहले उपवेद है कौन सा, आयुर्वेद। आयुर्वेद जो उपवेद है वो किसका है, ऋग्वेद का। आयुर्वेद उपवेद है किसका, वेद का, और इसके अंदर वर्णन है किसका, चिकित्सा का। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहां पर कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद, और इसके अंदर किसका वर्णन है, चिकित्सा का वर्णन है। फिर यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, इसके अंदर यज्ञ धनुर्विद्या ये सब कुछ का डिस्क्रिप्शन है। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, ठीक है, गंधर्व ऋषि ने लिखा था, तो गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद के अंदर म्यूजिक है, संगीत का डिस्क्रिप्शन है। फिर अर्थवेद का जो उपवेद है वो है शिल्प वेद, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि किस वेद का कौन सा उपवेद है, अर्थवेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, शिल्प वेद, जिसमें शिल्पकारी का जिक्र है। अब अर्थ मेन इनका और सब्जेक्ट देख लो कि ऋग्वेद का क्या सब्जेक्ट था, ऋग्वेद में था संगीत गायन पद्धति, सॉरी ऋग्वेद में था मंत्र सुक्तियां श्लोक मंत्र उच्चारण, ऋग्वेद में था।
तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि लाइफ में कुछ भी पहला काम हम शुरू करेंगे तो भगवान के नाम का मंत्र ही तो बोलेंगे। तो ऋग्वेद में क्या है गाइज, मंत्र है, श्लोक है, सुक्तियां हैं, गायत्री मंत्र का डिस्क्रिप्शन भी इसी के अंदर है, जो इसके अंदर जो 10 मंडल है, ठीक है, 10 मंडल मतलब 10 भाग, जिसमें से जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल है वो तो सोम देवता को समर्पित है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सोम देवता औषधियों का देवता माना जाता है, सोम देवता औषधियों का देवता माना जाता है, और ये 9वें मंडल के अंदर है। और जो 3रा मंडल है उसके अंदर गायत्री मंत्र का जिक्र है, ठीक है, 3रे मंडल में किसका जिक्र है, गायत्री मंत्र का जिक्र है। इसके अंदर टोटल 1028 जो है सुक्तियां वगैरह हैं, ठीक है, 1028 श्लोक हैं और 10462 समथिंग मंत्र वगैरह हैं, ठीक है, और 10 मंडल है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। फिर यजुर्वेद के अंदर क्या है, यज्ञ वगैरह, तो जैसे यजुर्वेद ऐसे यज्ञ, यज्ञ वगैरह का वर्णन यजुर्वेद के अंदर है। सामवेद में सैसे सामवेद, सैसे संगीत, तो संगीत का वर्णन सामवेद के अंदर है। अर्थवेद कहते हैं ना भाई, जादू टोने का कोई अर्थ नहीं होता, काला जादू, ब्लैक मैजिक, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो जो काला जादू होता है, जो ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब गाइस किसमें डिस्क्रिप्शन है, अर्थवेद के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चारों वेद, चारों वेदों के ब्राह्मण, उनके उपवेद और उनके अंदर क्या है, ये पक्का याद रखना है। तो सबसे पहला इतिहास का सोर्स है वेद, मीन्स वेदों को पढ़ा तो हमें इतिहास के बारे में जो है पता चला। फिर आ जाते हैं उपनिषद, उपनिषदों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो उपनिषदों की संख्या है 108, ठीक है, उपनिषदों की संख्या क्या है 108। ये भी धार्मिक टाइप के ग्रंथ है जिसमें मंडूको उपनिषद बहुत फेमस है, जिसके सृष्टि के वर्णन के बारे में बताया जाता है मंडूको उपनिषद में। और यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से भी की गई थी, क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई थी, तो मंडूको उपनिषद में की गई थी, ठीक है। फिर पुरातत्व साक्ष्य तो हम पढ़ेंगे, ये आगे पूरी हिस्ट्री में आएंगे। फिर वेदांग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदांग, वेदांग मीन्स काइंड ऑफ वेदों के अंग, वेदांग से भी हमें अपने इतिहास का पता चलता है। और वेदांग संख्या में है 6, बहुत बार पूछा था वेदांग संख्या में है 6। एक कोटेशन लिख लो, शिकवनी छज, एक कोटेशन है शिकवनी छज, सैसे शिक्षा, कैसे कल्प, व्यासे व्याकरण, नैसे निरुक्त, छैसे छंद, जैसे ज्योतिष, ठीक है। तो इससे याद कर लो वेदांग कितने हैं भाई, 6 हैं, शिकवनी छज, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या है वेदांग, वेदांग मीन्स वेदों के अंग। फिर अपने महाकाव्य हैं, यू नो वेल, रामायण, महाभारता, इनसे भी हमें वेदों के बारे में क्या लगता है भाई, इतिहास के सोर्सेज हैं, इनसे भी हमें वेदों के बारे में पता लगता है। फिर प्राचीन बुक हैं जैसे मुद्रा राक्षस है, पाणिनि, अष्टाध्यायी, मीन्स बहुत प्राचीन टाइम में बहुत सारी किताबें लिखी गई, उनसे भी हमें इतिहास का पता लगता है, ठीक है। अब इतिहास बहुत वाइड है, पढ़ने के लिए हम 3 पार्ट्स में इतिहास को डिवाइड कर लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। पढ़ने के लिए हमने, इतिहास बहुत वाइड है तो पढ़ने के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक और इसको बोलते हैं हिस्टोरिक, दैट इज प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक काल। अब क्या होता है प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। देखो प्राग ऐतिहासिक काल वो टाइम पीरियड था जब किसी भी टाइप का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला, मीन्स किसी भी चीज का हमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था कि कोई लिपि थी कुछ भी, मतलब किसी भी चीज का हमें जब कोई भी वर्णन नहीं मिलता, ना किसी किताब का, ना किसी लिपि का, मतलब कुछ भी लिखा हुआ है ही नहीं जिस काल के बारे में, जिस काल के साक्ष्यों को लेके हम श्योर भी नहीं है कि इसका ये टाइम था ये नहीं, कुछ भी जब हमें नहीं पता, तो वो जो टाइम पीरियड है गाइज वो प्राग ऐतिहासिक आता है, ठीक है। मीन्स प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा है, जिसका कुछ भी लिखित विवरण नहीं था, कुछ किसी भी बारे में श्योर नहीं थे हम, तो वो प्राग ऐतिहासिक काल था जिसकी कोई लिपि नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर आते हैं आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल वो टाइम पीरियड माना जाता है जिसका लिखित डिस्क्रिप्शन मिला, मीन्स हमने कुछ कुछ लिखा हुआ मिला, लेकिन वो ऐसा लिखा था जिसको हम पढ़ नहीं पाए, जिसको समझ नहीं पाए, मीन्स लिपि तो मिली, लिखा हुआ तो मिला,
लेकिन ना हम उसको पढ़ पाए ना हम उसको समझ पाए, तो वो आद ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब ऐतिहासिक काल कौन सा है जिसमें लिखित विवरण भी मिला, किताबें भी मिली, सब कुछ मिला, जिसको हमने पढ़ा समझा जाना, तो वो सब क्या है? आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, वो सब क्या है? आद ऐतिहासिक काल। जो हम मेजर हिस्ट्री पढ़ते हैं वो आद ऐतिहासिक, इसमें तो हम पढ़ेंगे पुरापाषाण नवपाषाण ये वाला टाइम। आद ऐतिहासिक काल से हड़प्पा संस्कृति शुरू हो जाती है, जो अपनी हड़प्पा ना, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जहां से मैंने इतिहास पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो हड़प्पा से लेके मैंने अंग्रेजों तक का इतिहास बहुत सारा पढ़ा रखा है, उसमें बीच में मैंने गवर्नर जनरल साउथ हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करवा रखा, वो मैं करवा दूंगी अब। ठीक है, तो आद ऐतिहासिक काल जो हड़प्पा वाला है यहां से स्टार्ट होता है, और ऐतिहासिक जो वेदों से शुरू होकर, आपको पता है वेदों का लिखित विवरण, वेदों से शुरू होकर जो अंग्रेजों तक की अपनी हिस्ट्री है, जो भारत आजाद होने तक की हिस्ट्री है, वो है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम ये तो पढ़ चुके हैं, हमें ये काल पढ़ना, और इस काल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल को हम पढ़ने के लिए अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सॉरी, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल पढ़ने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब देखो, पाषाण मीन्स पत्थर, पत्थरों का युग था ये, इसलिए इसको कहा गया पाषाण काल। पुरापाषाण मतलब ये सबसे ओपनिंग वाला जो है टाइम पीरियड है, इसको कहा जाता है पुरापाषाण, फिर बीच वाले को मध्य है, और फिर उसको कहा जाता है नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल में कैसा होता है इंसान, जो आपने सुना होगा इंसान आदि मानव था, इंसान घूमता रहता था, वृक्षों की छाल लपेट के रखता था, तो वो वाला इंसान था, वो किस काल में गाइज माना जाता है? वो पुरापाषाण में माना जाता है, मीन्स इस काल का जो मानव था उसके पास एक सेकेंड मीन्स इस काल में जो इंसान था वो वृक्षों की छाल लपेट के रखता था, खाद्यान्न वगैरह शिकार करता था, कच्चा मांस खा लेता था, मतलब इस टाइप का जो इंसान था। तो इस काल में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन नहीं आते, इस काल का जो खोज करता है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता, तो ध्यान रखना रॉबर्ट बुश। ठीक है, मेन मेन क्वेश्चन बताऊंगी जहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो रॉबर्ट बुश जो है इस काल का क्या था? मेजर इंसान माना जाता है इस काल का। कौन गाइस? रॉबर्ट बुश माना जाता है। और इस काल में जो जाति थी, जिस जाति के लोग थे, उनको कहा जाता है निग्रोट। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? निग्रोट जो है उस बंदों को कहा जाता है। और इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चित्रकारी सी मिली थी इस काल की, जो एक अवशेष के रूप में यदि हम बात करें तो एक चित्रकारी सी टाइप में मिली थी, जो कि जिनको भीमबेटका की गुफाएं कहा जाता, जो एमपी के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर है भीमबेटका की गुफाएं, तो एमपी में है। मीन्स इस काल में आपको क्या मेजर क्वेश्चन याद रखने हैं? 4 मेजर क्वेश्चन याद रखने हैं। पुरापाषाण काल में इंसान शिकार करता था, कच्चा मांस खा लेता था, कपड़े नहीं पहनता था, वृक्षों की छाल लपेटता था, उसके जीवन का मुख्य अवशेष क्या था? बस खाद्यान्न को संग्रह करना, इकट्ठा करना, इधर उधर घूमना। ठीक है, रॉबर्ट बुश ने इस काल के बारे में बताया था। इस काल के जो जाति के लोग थे वो निग्रोट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? निग्रोट। और इस काल में चित्रकारी के कुछ अवशेष मिले थे, जो भीमबेटका की गुफाएं, वो इस काल की एक, आप कह सकते हो कि इस काल का एक हमारे पास कुछ अवशेष है, तो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो किस काल का अवशेष है भाई? पुरापाषाण काल का। और इस काल में एक मुख्य प्रयोग हुआ था अग्नि का। क्वेश्चन को ना बड़ा ध्यान से समझना, बच्चे कंफ्यूज आते हैं। आग का आविष्कार, मानव ने, आपको पता, चकमक के दो पत्थर आपस में रगड़े और अग्नि का आविष्कार कर लिया। इस काल में सिर्फ आग को इन्वेंट किया गया था, ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि का प्रयोग नहीं हुआ था इस काल में, सिर्फ आग को आविष्कार कर लिया गया था। मीन्स उनको पता चल गया था कि ये कुछ ऐसे है, बट उनको ये नहीं पता था इसमें खाना भी बन सकता है, इसको यूज भी कर सकते हैं, इससे हीट भी ली जा सकती है, मतलब वो बस आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन का डिफरेंस है, आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण, लेकिन आग की प्रयोग शुरू हुआ किस काल में भाई? मध्य पाषाण काल में जो है आग का क्या हुआ? प्रयोग जो है शुरू हो जाता है आग का प्रयोग। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल में आते हैं। अब यहां पर इंसान ऐसे ही घूमता था, खाद्यान्न। अब यहां पर इंसान ने क्या किया? खाद्यान्नों को संग्रह करना शुरू कर दिया, मतलब यहां तो संग्रह करता था, बट यहां अब देखो आग यहां आविष्कार हो गई थी, यहां आपको क्या करने लगा भाई? पकाने लगा। ठीक है, तो पकाकर खाना। तो क्वेश्चन है अग्नि का प्रयोग, अग्नि का प्रयोग इंसान ने किस काल में शुरू कर दिया था? तो अग्नि का प्रयोग इंसान ने मध्य पाषाण काल में शुरू कर दिया था। अग्नि का प्रयोग, मध्य पाषाण काल, अग्नि का उत्पन्न, खोज,
पूरा पाषाण काल, ठीक है। इस काल में इंसान मांस को पका के खाने लगा था। इस काल में इंसान ने पहला हथियार बनाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अपना पहला हथियार बनाया था इस काल में। और इंसान ने जो पहला हथियार बनाया था वो था पत्थर की कुल्हाड़ी। क्वेश्चन याद रखना, मानव के द्वारा निर्मित जो पहला हथियार था, नोट, तांबा, तांबा पहली धातु थी, बट पहला हथियार जो इंसान ने बनाया था वो पत्थर की कुल्हाड़ी बताई थी, क्योंकि वो पत्थरों को काट काट कर गुफाओं वगैरह में जो है रहने लगा था। कौन सी काल का स्थान? मध्य पाषाण काल का इंसान, ठीक है। मछली वगैरह पकड़ना इस काल में शुरू हो गया था, छोटे छोटे औजार बनाने शुरू हो गए थे, पशुपालन थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, कृषि वगैरह शुरू नहीं हुई थी भाई इस काल में। इस काल में इंसान अस्थि पंजर हड्डियों वगैरह का पता लगाने लगा था, कहीं कहीं गया हड्डियां उनको दिखने लगी थी, तो हड्डी वगैरह की खोज भी इसी काल में हुई थी, हड्डियों के बारे में। तो मध्य पाषाण काल में आपको क्या याद रखना है? अग्नि का प्रयोग आपको याद रखना है, आपको मेजर रूप से याद रखना है। इंसान एक जीवन को थोड़ा सा गुफाएं काट के वहां पर व्यवस्था करने लगा था। इंसान ने पहला अपना हथियार बना लिया था। इंसान ने मछली पकड़ना जो है इस काल में शुरू कर दिया था, मतलब जानवरों के साथ मछली भी खाने लगा था। और अस्थि पंजर जो है इसी काल में देखने को मिले थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस काल में देखने को मिले थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट काल है जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में इंसान की लाइफ थोड़ी सी पटरी पे आ गई थी। कहने का मतलब, इंसान ने यहां पर पहिए का आविष्कार कर लिया था, ठीक है, और वो स्थायी रूप से रहने लगा था, घर वर बना के, यहाँ तो गुफाओं को काट के यहाँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो गया भाई, रहने लगा, पहिए का आविष्कार कर लिया। अब देखो, पहिया घूमता है ना, आप ऐसे याद रखो, पहिया घूमता है ना, तो इंसान का जीवन भी घूम गया, मतलब इंसान का जीवन एक्टिव हो गया। कौन से काल में? नवपाषाण काल में इंसान का जीवन एक्टिव हो गया पहिए के आविष्कार के साथ। कृषि को बहुत अच्छे, यहाँ पशुपालन किया था उसने, कृषि अच्छी नहीं की थी, यहाँ पर कृषि को एक स्थायी व्यवसाय बना लिया था। यहाँ पर कृषि को इन्वेंट कर लिया गया था, जौ, गेहूं, गेहूं तो बाद में आया था, चावल, चावल वगैरह, तो कृषि को इन्वेंट कर लिया गया था। किस काल में भाई? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में एक सबसे फेमस बस्ती है जहां पर फसलों वगैरह के, गेहूं वगैरह के अवशेष मिले जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता, मेहरगढ़, ठीक है। तो मेहरगढ़ जो है इस काल की काफी फेमस बस्ती है जो मानी जाती है। और इस काल में कोलडीविया मतलब कुछ ऐसा सा प्लेस है, प्रॉपर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, यहाँ पर चावल के अवशेष मिले थे, ध्यान रखना। तो चावल के अवशेष भी सबसे पहले कौन से काल में मिले थे भाई? नवपाषाण काल में मिले थे चावल के अवशेष, ठीक है। और हड्डी वगैरह भी प्रचुर मात्रा में मिल गई थी। और मेहरगढ़ आपको खेती के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मेहरगढ़ में खेती के अवशेष मिले थे। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, ध्यान रखना। कोलाबीड़ा में चावल के सबसे पहले अवशेष देखने को मिले थे। और यहाँ पर ये एक बुजुर्ग होम करके बस्ती वगैरह भी देखने को आई थी, ठीक है। कांसा इंट्रोड्यूस हो गया था। इंसान की पहली धातु कौन सी थी भाई? कांसा, कुत्ता, ये सब कुछ हमने इस काल में देखने को जो है हमें मिल जाता है। तो धीरे धीरे इस काल से इंसान का जीवन आगे बढ़ता है। तो प्रागैतिहासिक काल में बेसिकली ये तीन ही काल थे, फिर आदि ऐतिहासिक काल में जीवन आगे बढ़ गया, तो भाई कौन सी संस्कृति शुरू हो गई? हड़प्पा संस्कृति, ठीक है। कौन सी संस्कृति शुरू हो गई? हड़प्पा संस्कृति शुरू होगी। ओरली बता देती हूँ, हड़प्पा संस्कृति के बाद जो है वेदों वाली संस्कृति आती है। वेदों की संस्कृति के बाद धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित हो जाते हैं, तो गुप्त वंश वगैरह, ये अशोक वगैरह फेमस राजाएं आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे राजा आते हैं, यूनानी लोग इंडिया में आके इन्वेंट करते हैं, इंडिया पर आक्रमण कर देते हैं यूनानीज के बाद। यदि हम बात करें इंडिया में, फिर से हर्षवर्धन राजा आते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है, फिर इंडिया के अंदर मुस्लिम्स आ जाते हैं, मुस्लिम इंडिया को डोमिनेट कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत वगैरह बन जाती है। फिर मुगल्स आ जाते हैं, मुगल्स इंडिया पे डोमिनेशन हो जाते हैं, मुगल्स के बाद अंग्रेज व्यापार करने आ जाते हैं, पुर्तगालीज लोग आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे अंग्रेज इंडिया पर डोमिनेट करते हैं। और जैसे ही अंग्रेजों के बाहर जाने से इस हिस्ट्री जो है खत्म हो जाती है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैंने कुछ इसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हड़प्पा टिल मैंने आपको करवा रखा है, आगे हम मैं बीच बीच में करवाते रहूंगी। तो होप सो यू लाइक द वे ऑफ जीके। सो इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड इफ यू डोंट लाइक तो डोंट लाइक कर देना, वही मर्जी है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।